मैं डॉक्टर मीना सहाय, रिटायर्ड प्रोफेसर, रांची वुमेन्स कॉलेज, आज यहाँ सेमेस्टर सिक्स के फिजिक्स के बच्चों के लिए उपस्थित हूँ। सेमेस्टर सिक्स में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पेपर में है, उसी में हम लोग स्टैटिस्टिकल टर्म्स क्या होता है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। पहला है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम मोनोएटमिक गैस को जब हम लेते हैं तो वो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम होता है और उसका एनर्जी एक्सप्रेशन उसके सिस्टम में इट हैज़ गॉट एफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजिशन एंड एफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तब हम लोग कहते हैं कि ये सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हैज एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर एन मॉलिक्यूल्स रहेगा सिस्टम में तो एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर द सिस्टम ऑफ एन मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, एन एफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजिशन एंड एन एफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोमेंटम। तब हम लोग कहेंगे कि इस सिस्टम का कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एन एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो दिस इज वन टर्म, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसके बाद दूसरा टर्म आता है पोजिशन स्पेस। अब हम लोग एक सिस्टम लेते हैं जहां पर एन पार्टिकल्स है एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम वी। अब इस सिस्टम अगर स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, तब ऑल पार्टिकल्स विल रिमेन फिक्स्ड एट वेरियस पॉइंट्स इन स्पेस। तो अब हमको ये सिस्टम को जब हम इसको स्पेसिफाई करना होगा किसी भी पार्टिकल को इस सिस्टम में, तब हम लोग कहेंगे क्या यूज करेंगे, थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो हमको क्या चीज का वैल्यू जानना होगा, थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। अब ये तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जैसा कि एज देयर आर एन पार्टिकल्स, तो हमको क्या चाहिए होगा, अ नॉलेज ऑफ थ्री एन coordinates that gives a complete information about such a static state system. जब static रहता है तो three dimensional space in which the location of a particle is completely given by the position coordinates is known as position space. तो अगर वहां पर एक dv है जो कि एक वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब हुआ स्मॉल एलिमेंट इन पोजिशन स्पेस, तो क्या होगा उसका मैथमेटिकल वैल्यू, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड, जहां डी एक्स है एलिमेंट अलोंग द स्मॉल एलिमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, डी वाई अ स्मॉल एलिमेंट अलोंग द वाई एक्सिस एंड डी जेड अ स्मॉल एलिमेंट अबाउट इन द जेड। तो ये मेरा हो गया पोजिशन स्पेस। अब हम लोग आते हैं मोमेंटम स्पेस। अब अगर सिस्टम डायनेमिक है, मतलब स्थिर नहीं है, वो मूव कर रहा है, तो उसका पार्टिकल्स दे मूव अबाउट विद डिफरेंट वेलोसिटीज, उसके कुछ भी वेलोसिटी हो सकता है, और जब वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, मोमेंटा भी होगा। तो अब इस सिस्टम को केवल पोजिशन कोऑर्डिनेट से नहीं हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को एक, इसलिए डायनेमिक सिस्टम के लिए हम लोग को थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम को भी लेना है। और मोमेंटम लेने के लिए हमको क्या लेना होगा, विद द हेल्प ऑफ थ्री वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वी एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वी वाई वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, वी जेड वेलोसिटी अलोंग द जेड एक्सिस, इन एडिशन टू द थ्री पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड।
अगर इफ एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी वी, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? P इज इक्वल टू एम इन टू वी. अब इस मोमेंटा का कंपोनेंट होगा एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो पी एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स, पी वाई इज इक्वल टू एम वी वाई, पी जेड इज इक्वल टू एम वी जेड. जिस तरह से पोजिशन ऑफ पार्टिकल को हम लोग एक क्या चीज से देते हैं, थ्री पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड इन थ्री डायमेंशन पोजिशन स्पेस, तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड by three mutually perpendicular momentum coordinates px, py, pz. मैंने position के लिए मेरा क्या था x, y, z, और इसके लिए momentum के लिए three mutual perpendicular coordinates px, py, z in three dimensional space, and this is known as momentum space. And the small volume element in momentum space, अब क्या होगा, dpx, dpy, dpz. ये मेरा हो गया एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ये मोमेंटम स्पेस में. अब मोमेंटम स्पेस के बाद अब हम लोग आ जाते हैं फेज स्पेस. अब हम लोग ने पोजिशन स्पेस पढ़ा, मोमेंटम स्पेस पढ़ा, अब दोनों का कॉम्बिनेशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज स्पेस. That is a combination of position space and momentum space is known as phase space. अब तो phase space का कितना dimension होगा? 6 dimension, 3 position coordinates and 3 momentum coordinates, all mutually perpendicular to each other. The position of particles in phase space is specified by a point. तो उसके कितने coordinates होगे? 6 coordinates, x, y, z, px, py, pz. Complete information about any particle in a dynamic system can be obtained from a knowledge of these 6 coordinates, which completely determines the position, the dimension. अब इसमें ये जो स्मॉल, अब इसमें आपका फेज स्पेस है तो उसका स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी टाउ. तो देखिए dx, dy, dz, ये क्या था आपका अ स्मॉल एलिमेंट, कहां पे था, पोजिशन स्पेस में. dpx, dpy, dpz, स्मॉल एलिमेंट इन द मोमेंटम स्पेस. तो अब ये फेज स्पेस जो है ये डी टाउ, ये है स्मॉल एलिमेंट इन फेज स्पेस. तो ये इन सिक्स, ये छह एलिमेंट्स के आपके प्रोडक्ट का है. थैंक यू.